हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 4 के MI रोम, जो कि 20.5.26 वर्जन, जो कि एंड्रॉइड 9 पोर्ट रोम है, पोर्ट बाय आकिब। तो इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। और साथ साथ सेफ्टी नेट हमें यहाँ पे पास मिल जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बैंकिंग ऐप काम करता है कि नहीं, और भी बाकी सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सुपर लाइट वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अवार्ड फोन में, और यहाँ पे चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉइड 9 देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सिक्योरिटी पैच 5/5/2020 की लेटेस्ट देखने को मिल जाती है। MIUI वर्जन जो है MIUI 12 आकिब स्पेशल, जो कि मी रूम का 20.5.26 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कर्नल जो है लीनियज OS का देखने को मिलने वाला है। कॉलिंग की बात करें तो जियो वोल्टी जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी सपोर्टेड है, तो वीडियो कॉलिंग भी आप यहाँ पे ईजी कर पाओगे। और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे कैमरा, तो कैमरा जो है आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो है हमारा पोर्ट्रेट मोड का बग देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट मोड जो है काम नहीं करता है। और बाकी वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे मिल जाती है 1080 30 FPS एंड 4K 30 FPS तक देखने को मिल जाती है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा GCam है, तो GCam का सपोर्ट दे दिया गया है। तो GCam जो है आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो GCam में फिलहाल आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, आप यूज़ कर पाएंगे GCam। एंड जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, तो यहाँ पे बीच बीच में कभी का थोड़ा लैगिंग आपको देखने को मिलने वाली है, बाकी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाती है, कोई भी दिक्कत ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जो है लैगिंग है थोड़ी सी बस। एंड नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम जो कंट्रोल है, यहाँ पे भी आपके बग्स फिक्स है, और आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। पावर मेन्यू की बात करें तो पावर मेन्यू आपको नॉर्मली देखने को मिलने वाला है, और रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में भी आपको बग, जो कि जैसे लैग, बग बोल रहा हूँ, लैग जो है देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको लैग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है हमारा जो ईयरफोन का, ये तो ये मेरे फ़ोन का दिक्कत है, तो उसकी वजह से शो कर रहा है, आपके में नहीं शो करेगा। आप जब ईयरफोन लगाओगे तभी शो करेगा, तो इसका जो है इग्नोर करो उस चीज़ को। बाकी यहाँ पे गैलरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे गैलरी में आपको स्काई का जो फिल्टर है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्काई हमें देखने को नहीं मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया गया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमें जो है यहाँ पे स्क्रीन, जो कि इंटरनल साउंड हमें हमारा रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और फ्रेम रेट आपको 60 FPS तक की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो है आपका प्री इंस्टॉल रूटेड रोम है ये, तो रूट आपको मिल जाता है यहाँ पे। और सेफ्टी नेट की अगर हम बात करें, तो सेफ्टी नेट जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसकी हार्डवेयर बटन लाइट जो है आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फिक्स कर रखा हूँ, और ये जो है काम कर रही है। तो इसका फिक्स एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो में आप इंस्टॉलेशन पर जाकर देखना। बिल्कुल उसी तरीके से इस रोम को भी इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर लाइट फिक्स कैसे करना है उसके बारे में वहाँ पर मैं आपको बता रखा हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको फिक्स कर लेना है, और भी बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें उसमें मैं बता रखा हूँ। एंड यहाँ पे FM न्यू आपको देखने को मिलने वाला है, ये वाला जो कि बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। और साथ साथ यहाँ पे प्ले स्टोर जो है हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइड है, जैसे कि देख सकते हैं। एंड सुपर वॉलपेपर आपको मिल जाता है, जिसमें हमारा होम स्क्रीन वाले में फिलहाल पंगा देखने को आपको मिलता है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसमें आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगी, और अगर अलग आप कोई लोकेशन चूज़ करते हो तो उस पर भी ये ओपन नहीं होता है। तो ये है हमारा जो होम वाले वॉलपेपर पे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप इसको सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये लोकेशन मिलती है। लोकेशन अगर आप चेंज करते हो यहाँ पे, तो जैसे कि ये लोकेशंस तीन हमें मिल जाती हैं, जिनमें से तीनों का किसी को चूज़ करोगे जो है फर्स्ट वाला ही हमेशा रहेगा। और यहाँ पे जैसे मैं अनलॉक कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अनलॉक के बाद एनिमेशन देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो कि रेड प्लैनेट है, तो रेड प्लैनेट की अगर हम बात करें, तो रेड प्लैनेट जो है बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और अच्छे से जो है काम भी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसका ही यूज़ करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इस वाले को, और इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो होम वाले बस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे कैलेंडर जो है आपका चाइनीज़ में देखने को मिलता है, तो बस कैलेंडर ही बस है जो चाइनीज़ में देखने को मिलता है। तो इसको आप जो है यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हो, इस चीज़ को जो है ऑफ कर देना चाइनीज़ कैलेंडर को, बस इसके बाद जो है इंग्लिश मिल जाएगा। बैंकिंग ऐप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैंकिंग ऐप जो है हमारा यहाँ पे कुछ बैंकिंग ऐप काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे। तो जीपे जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं मूवी क्विक की,
तो मूवी क्विक जो है हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको वही मैजिक से हाइड करना पड़ेगा। बाकी और भी मेथड है जो कि बैंकिंग ऐप चलाने के लिए, तो मैं वीडियो एक जरूर लाऊंगा जल्द ही। एंड यहाँ पे कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग जो है काम नहीं करी, डिवाइस हो करता है कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता, हॉटस्पॉट जो है हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि देखने को मिल ही जाता है, लॉक स्क्रीन जो कि आकिब के स्पेशल रोम में हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अभी MIUI 11 वाला ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो जल्द ही आगे आपको फ्यूचर में लेटेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हमें इसे ही देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल जल्दी काम कर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक करता हूँ और आपको दिखा दूँ, तो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड साथ साथ आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के लिए एज लाइटिंग मिल जाती है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही है। और डबल टैप टू बैक मिल जाता है, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ऑन लॉन्चर, ऑलवेज शो नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है सेम हमें मिल जाती है। नीचे क्लॉक फॉर्मेट भी मिल जाता है और शो चार्जिंग एनिमेशन जो कि वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से। स्टेटस बार आपको बाहर देखने मिल जाता है और स्टेटस बार स्टाइल जो कि इस अपडेट में ऐड किया गया है, तो IS स्टाइल हो गया, प्रो स्टाइल हो गया, USP स्टाइल हो गया, तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और भी कुछ न्यू फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं, सो वेदर भी देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम जो कि वर्टिकल नेटवर्क आइकन ऐड किया गया है, तो आप इसका भी यूज़ कर पाओगे वर्टिकल नेटवर्क आइकन में। आप देख सकते हो अभी जो है ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो नेटवर्क आइकन भी जो है चेंज कर पाओगे। एंड ब्लर मिल जाता है, ब्राइटनेस पैनल जो कि ओल्ड वाले आप ब्राइट हमारा नोटिफिकेशन पैनल था उस पर आप चेंज कर पाओगे। बाकी ब्लर रिसेंट ऐप जो है मेरा देखने को मिल जा रहा है बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो रिसेंट ऐप जो है बैकग्राउंड में ब्लर होकर देखने को मिलती है। बाकी रिबूट मेन्यू ब्लर देखने को मिल जाता है, यूज़ कंट्रोल सेंटर नीचे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, यूज़ कंट्रोल सेंटर जो है ओल्ड वाला आप ला सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे शो नोटिफिकेशन आइकन मिल जाता है, कलर नोटिफिकेशन आइकन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बैटरी के अंदर आपको परसेंटेज ऐड किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टॉगल्स के लिए सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। बाकी नीचे आपको स्टेटस बार आइकन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हमारा जो है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये फ्रीजिंग इशू मेरे से मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हल्का सा फ्रीजिंग इशू जो है वो देखने को मिलता है कभी कभार। और MI साउंड एनहांसर जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसका आप यूज़ कर पाएंगे। एंड नीचे हमारा जो है देखने को मिलता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल मिल जाता है, रीडिंग मोड जो है वर्किंग है। और नीचे हमारा डार्क मोड की बात करें तो डार्क मोड भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे नीचे आपको न्यू MIUI फंड मिल जाता है जिसको आपको रिबूट करना पड़ेगा इनेबल करने के बाद। और यहाँ पे हम बात करते हैं होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन सेटिंग नॉर्मली है। वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो वॉलपेपर के अंदर आपको यहाँ पे ये कुछ वॉलपेपर्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और साथ साथ कुछ सिस्टम वॉलपेपर्स अलग आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि MI रूम के हैं, और साथ साथ डायनेमिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा थीम, तो थीम के अंदर आपको ये चार थीम है जो कि डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाती है। और वहीं पे चलते हैं अगर फाइंड मोर के अंदर सेटिंग्स में इसके, तो यहाँ पे जो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा वॉलपेपर्स मिल जाता है, लाइव वॉलपेपर्स मिल जाता है, रिंगटोन एंड फॉन्ट तक देखने को मिलता है। तो आइकन का ऑप्शन अभी फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलता है। थीम कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो वही ऑप्शन बूट एनिमेशन बूट ऑडियो देखने को मिलता है। एंड थीम लैब के अंदर हमारा जो है ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, वॉलपेपर साइड शो एंड प्रोफाइल वीडियोज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक जो है आपको पैच प्लस करना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि ये काम नहीं करता है, तो उसका भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो आप वो वाली देख करके पैच कर लेना। बाकी फिंगरप्रिंट आप देख सकते हो जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी जो है अब हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं ट्राई किया था पहले क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि ये पैच नहीं फ्लैश करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है फिक्स है, तो काम नहीं करता फिर भी, तो फिर मुझे पैच करके जो है इसे फ्लैश करना पड़ेगा। बाकी इसके पासवर्ड आफ्टर रिबूट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आप रिबूट करते हो अपने फ़ोन को तो डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाओगे। एंड बैटरी के अंदर आपको सारी सेटिंग सेम ही मिल जाती है, बैटरी परफॉर्मेंस भी पहले जैसी है फिलहाल यहाँ पे। और ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे जो है सिस्टम ऐप सारी चीज़ें जो है सेम मिलती है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। लैंग्वेज जो है हमें यहाँ पे कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं। और वहीं पर बात करते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो इसका भी जो है पैच आपको फ्लैश करना पड़ेगा, तभी जो है जेस्चर आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जो है यूज़ कर पाओगे। प्रीवियस ऐप का भी आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है हमारी बटन भी जो है इनेबल हो जाते हैं, और बटन भी जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करें नेविगेशन बटन, तो आप इसका भी जो है यूज़ कर पाओगे। बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रोम में इसकी जो कि फ्रीजिंग यूज़ मुझे देखने को मिल रहा है, तो वो जो है थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, बाकी तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। एंड
यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट भी हमारी वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो इसका भी जो है यूज़ हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है, फोकस मोड भी देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा स्पेशल फीचर, तो गेम टर्बो मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स, क्विक रिप्लाई, सेकंड स्पेस एंड लाइट मोड देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बाकी नीचे आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट सेटिंग्स, कुछ एम आई अकाउंट सेटिंग्स मिल जाते हैं। एंटूटू बेंच मार्क स्कोर जो है हमारा यहाँ पे 81,600 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंटूटू बेंच मार्क स्कोर। और पबजी की बात करें तो पबजी में के अंदर जो गेम टर्बो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और हमारा जो ग्राफिक अच्छा वाला है यहाँ पे देखने को मिलता है। और पबजी के सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक आपको सेम ही मिलता है, कोई चेंजेस नहीं वहाँ पे, पहले जैसे ही सारी चीज़। और यहाँ पे हमारे जब पबजी की बात करें तो पबजी में भी आपको जो है फ्रीजिंग इशू आप खुद देख रहे होंगे, फ्रीजिंग इशू जो है थोड़ा देखने को यहाँ पे मिलता है, तो चीज़ आपको जो है फेस करना पड़ेगा। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत कोई बड़ा फिलहाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन गेम में आपको ये जो है देखने को मिलेगा ये चीज़। तो ये जो है हमें गेम में फ्रीजिंग इशू थोड़ा सा मिल जाता है, बाकी और तो सारी चीज़ें जो है अच्छे से काम कर, वीडियो कॉलिंग भी है एंड ऐसा कोई बग भी नहीं मिलता जो है, रीडिंग मोड भी अच्छे तरीके से काम ही कर रहा है, सारी चीज़ें जो है काम कर रही है। और इंस्टॉलेशन आप उस वीडियो से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में टाइम भी वहाँ पे उस वीडियो का सेट कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप उस टाइम पे क्लिक करना, वहीं पे डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे उस इंस्टॉलेशन पे, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टॉल करना। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम हमारा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, आपकी जो हेल्प वहाँ पे भी हो जाएगी बिल्कुल ईजी। तो अगर आपको कुछ लगता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपसे तो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।